अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 31 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा डीजल बिल हुआ है, उन्हें 3016 रुपए का पेंशन दिया जा रहा है। आज इंडिया में कोई ज्यादा ज्यादा वेलफेयर का काम होता है तो हमारी स्टेट में होता है। हमारी स्टेट इंडिया में नंबर वन स्टेट वेलफेयर की है और नंबर वन स्टेट डेवलपमेंट की है। हमारी स्टेट के अंदर सीएम साहब का एक सपना था, तेलंगाना बनने से पहले 2003-2004 में उन्होंने स्पीच में कहा था कि मेरी स्टेट तेलंगाना मिलने बनने के बाद कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। एक बार मैं चैनल पर न्यूज देख रहा था, एक बिहार का आदमी से इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो बिहारी ने बहुत रो रहा था। टीवी वाले ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं, तो कहा हम बिहार में भूखे रहते थे और हमारी तेलंगाना स्टेट में हमें 5 रुपए में पेट भर का खाना दिया जा रहा है। कोई स्टेट में ऐसी स्कीम नहीं है कि 5 रुपए में आदमी को पेट भर का खाना दिया जाएगा। आज हमारे स्टेट में कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता। सबों की तादाद में काउंटर खोले गए और लोगों के लिए जहां तक उसे राहत का काम पहुंचाने का केसीआर साहब ने काम कर रहे हैं। डेफिनेटली स्टेट में हम खासतौर से हमारे बुजुर्गों के लिए हमेशा हम यही चाहते हैं उनकी अच्छी खिदमत करें और तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह हमारे सीएम साहब हुकूमत कर रहे हैं उससे पहले हम बहुत से मुश्किल में रहते थे। ना हमारे पास पानी रहता था, ना हमारे पास पावर रहता था, ना हमारे पास लैंड आर्म रहता। आज लैंड आर्म में देखिए इंडिया में नंबर वन स्टेट है तेलंगाना स्टेट है। क्राइम का रेट दिन बन घटता जाता है और गंगा जमुना तहजीब कौमी एकजहती की स्टेट है। तो मैं एक बार मैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह साहब से मिलने गए थे। जब वो बहुत से लोग बैठे थे उन्होंने खुद लोगों से तारुफ करवाया हमारा, अरे नई स्टेट के लोग आए वहाँ पर बहुत अमल है और बहुत तेजी से तरक्की कर रही है स्टेट। आज हिंदुस्तान में नंबर वन इंजीनियर है तो हमारे केसीआर साहब है, हमारे आर्मी चीफ मिनिस्टर साहब है। नंबर वन स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को 1000 की जगह 2016 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। उसके अलावा हैंडीकैप लोगों को 3016 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। इस तरह सरकार के खजाने पर 11,800 करोड़ का बजट का खर्चा हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मजीद 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस तरह आइंदा महीने से 12,000 करोड़ का खर्चा, हर महीना 12,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है सरकार के खजाने पर जो हम वेलफेयर पर हम पेंशन और आसरा स्कीम के तहत देते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ एज में भी, क्योंकि इससे पहले 65 साल चलते आ रहा था, सीएम साहब ने इस मरतबा देखा कि 65 साल बहुत ज्यादा है, लोग 60 साल में भी कमजोर हो जाते हैं तो खिदमत नहीं कर सकते, लोगों को खुद अपनी जिंदगी में कुछ कमा नहीं सकते, इसलिए वो एज घटाकर 57 ईयर किया गया। और 57 ईयर करने पर मजीद तेलंगाना के 7 लाख लोगों को मजीद पेंशन मिलेगा। इससे पहले सिंगल वुमेन को कभी कोई नहीं देखता था, बेवा औरत रहती थी, उसके बाद उसे कभी यही कहा जाता था आपका डाइवर्स नहीं हुआ, आपके सर्टिफिकेट नहीं है, आपको किस तरह पेंशन दिया जाता है। सीएम साहब ने खासतौर से जो लोगों की किसी वजह से शादी नहीं करते, सिंगल रहते, उन्हें भी पेंशन दिया जा रहा है। उसके अलावा पीडी वर्कर्स को भी पेंशन दिया जा रहा है। अलागे अंदर सोदरी सहोदरी सत्तुनारो इंडिया नंबर वन सीएम अंटे केसीआर గారు ఉన్నారు, వెల్ఫేర్ లో పని చేసిన అంటే డెవలప్మెంట్ లో ఇండియా సార్ 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 అంబర్పేట్ మండల్ అంబర్పేట్ మండల్ వి శంకరయ్య సదరు కూడా అటువై దగ్గరండి దగ్గరండి కనబడలేదు సార్ కలెక్టర్ గారు సార్ ఒమినిస్టర్ గారు సార్ అమీర్పేట్ మండల్ సార్ ఒమినిస్టర్ అమీర్పేట్ మండల్ నుండి మండల్ నుండి శ్రీ శంకర్ శ్రీమతి లలిత శ్రీమతి రాణి కౌర్ ఆసిఫ్ నగర్ మండల్ శ్రీ మొహమ్మద్ షరీఫ్ శ్రీమతి శ్రీ మొహమ్మద్ షరీఫ్ శ్రీమతి శ్రీమతి రహీమా బేగం శ్రీమతి జహంగీర్ బి సంజీవ శ్రీ ఎర్రయ్య ఖైరతాబాద్ మండల్ నుండి శ్రీ మొహమ్మద్ అజీజ్ మైసా ఫ్రీ